बहुत खास बीजी को थी, वो भी पिछले 3-4 करोड़ में जो वोटिंग हुई है, उसके बाद वो भी अब पीछी हो गई है। अब विदेशी कलाकारों और किराए के गुंडों के बल पर ही बीजी आखिरी को झुटकाने में जुटी है। लेकिन इस बार बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इस बार भाजपा के साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता भी उनके खिलाफ मैदान में खड़ी हो गई है। इस बार के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ मोदी नहीं, खुद पश्चिम बंगाल के जनगण ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसलिए बीजेपी की बौखलाहट देखिए, अब मुझे तो गाली देती है, अब चुनाव आयोग को भी गाली दे रही है। हमारे सुरक्षा बलों पर लंचन लगा रही है, केंद्रीय मंत्री हमारे जवानों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, जबकि यही दीदी है जिन्होंने 2009 में जब चुनाव हो रहे थे तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मांग की थी, और ये भी मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में सेना लगाई जाए और सेना के नेतृत्व में चुनाव हो। ये 2009 में बीजेपी मांग कर रही थी कम्युनिस्टों के अत्याचार से लड़ने की, इसी भावना का पुरस्कार जनता ने बीजेपी को आग बन करके वोट दे दिए। उसने बीजेपी को सीधे माथे पर बिठाया था, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ चोला बदला, नारा बदला, निशान बदला, लेकिन काम वही किया वो कम्युनिस्ट करते थे, और उससे भी बुरा किया। पश्चिम बंगाल के जिन लोगों ने बीजेपी को इतना मान दिया, सम्मान दिया, उन्हीं को बीजेपी ने धोखा दे दिया, दिया कि नहीं दिया, बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं दिया, बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं दिया। खुद से इस पवित्र धरती को फूल के रंग से रंगा जा रहा है। भाइयों बहनों, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हकीकत बयान करनी पड़ रही है। आज हालत क्या है, गुंडों के लिए ममता, गुंडों के लिए ममता और जनगण के लिए निर्ममता, जनगण के लिए निर्ममता, ये किस दौर में इस बंद भूमि पर पहुंचा दिया है।